नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB2 Success पर। दोस्तों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ द मंथ लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस जॉब ओरिएंटेड वीडियो में हम मई मंथ की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे फॉर रिटायर्ड ऑफिसर्स, JCOs एंड NCOs। इस मंथ में भी आपको काफ़ी जॉब ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, एसोसिएट डायरेक्टर, लॉबी सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, लॉबी असिस्टेंट, सेल्स मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि। मई मंथ की हर एक वैकेंसी को डिटेल में समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस मंथ में ऑफिसर्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। आपको बता दें कि ऑफिसर्स के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है, जिसमें सबसे पहले है चीफ सिक्योरिटी कम एडमिन ऑफिसर एट GNA पगवारा। इस जॉब के लिए रिटायर्ड कर्नल की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 60 साल से कम हो। जॉब लोकेशन रहेगी इसकी पगवारा। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 80,000 पर मंथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप AWPO जलंधर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इस कमांडेंट एट डिफेंस कैरियर एकेडमी। इसके लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है हु वर्कड विथ SSBs विथ नो एज क्राइटेरिया। जॉब लोकेशन इज औरंगाबाद। सैलरी नो बार फॉर राइट कैंडिडेट्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO अहमदाबाद। नेक्स्ट जॉब ऑप्शन इज एसोसिएट डायरेक्टर एट CMS InfoSystems। इस पोस्ट के लिए रिटायर्ड कर्नल की रिक्वायरमेंट है विद एज विद इन 52 ईयर्स। जॉब लोकेशन इज अहमदाबाद। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 21 लाख पर एनम। ज़्यादा जानकारी के लिए आप AWPO अहमदाबाद में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज एसोसिएट डीन एट हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 65 साल से कम हो। साथ ही आप किसी भी टेक स्ट्रीम में PhD होने चाहिए। जॉब लोकेशन इसकी रहेगी हैदराबाद। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 1.3 लाख पर मंथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO सिकंदराबाद। लास्ट जॉब ऑप्शन फॉर ऑफिसर इज प्रॉपर्टी मैनेजर एट पारसी डायरी फार्म। इसके लिए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है विथ नो एज क्राइटेरिया। जॉब लोकेशन इसकी रहेगी पलघर। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 18 लाख पर एनम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO पुणे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि JCOs के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। JCOs के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें सबसे पहले है लॉबी सुपरवाइज़र। इसकी कुल 30 वैकेंसीज अवेलेबल है एट रिलायंस फाउंडेशन। इसके लिए रिटायर्ड JCOs की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। साथ ही आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर एंड डिस्चार्ज बुक में आपकी कैटेगरी शेप 1 होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन रहेगी इसकी नाभी मुंबई। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 40,300 पर मंथ। 12 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी फॉर 26 डेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO जबलपुर। नेक्स्ट जॉब ऑप्शन इज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। इसकी कुल 30 वैकेंसीज अवेलेबल है एट चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस पोस्ट के लिए रिटायर्ड JCOs की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 52 साल से कम हो। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए और डिस्चार्ज बुक में आपकी कैटेगरी शेप 1 होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन इज मुंबई। सैलरी इज 40,000 पर मंथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO जलंधर। नेक्स्ट वैकेंसी इज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। इसकी कुल 4 वैकेंसीज अवेलेबल है एट JCB लिमिटेड। इसके लिए 12th पास JCOs की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। जॉब लोकेशन रहेगी इसकी अजमेर रोड जयपुर। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 28,000 पर मंथ। 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी फॉर 26 डेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO जयपुर। लास्ट जॉब ऑप्शन फॉर JCOs इज केयर टेकर। इसकी कुल 20 वैकेंसीज अवेलेबल है एट AKL अकेडमी बारू साहिब।
इसके लिए रिटायर्ड जीएसयूज की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 50 साल से कम हो। साथ ही आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इस जॉब में प्रेफरेंस गुरसिक्स को दी जाएगी। जॉब लोकेशन है पंजाब। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 25,000 पर मंथ प्लस बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंसेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO पुणे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि NCOs के लिए इस मंथ में कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आपको बता दें कि NCOs की टोटल 5 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी लोबी असिस्टेंट की है। इसकी कुल 40 वैकेंसीज अवेलेबल है एट रिलायंस फाउंडेशन। इसके लिए एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 48 साल है आर एलिजिबल। साथ ही आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर एंड डिस्चार्ज बुक में आपकी कैटेगरी शेप 1 होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन इज नावी मुंबई। सैलरी इज 36,316 पर मंथ। 12 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी फॉर 26 डेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO जबलपुर। NCOs की नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर की है। इसकी कुल 4 वैकेंसीज अवेलेबल है एट ICS हुंडई। इसके लिए एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 50 साल से कम है आर एलिजिबल। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। जॉब लोकेशन इज हिसार, करनाल, आनंदपुर साहिब एंड शिमला। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 18,000 पर मंथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप AWPO चंडीगढ़ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी इज सेल्स मैनेजर। इसके कुल 10 वैकेंसीज अवेलेबल है एट सरवाना स्टोर्स। इसके लिए एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट है विथ नो एज क्राइटेरिया। जॉब लोकेशन रहेगी इसकी चेन्नई। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 3 लाख पर एनम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO चेन्नई। नेक्स्ट जॉब ऑप्शन इज सिक्योरिटी गार्ड। इसकी कुल 4 वैकेंसीज अवेलेबल है एट कैलाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इस पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट है जिनकी उम्र 45 साल हो। साथ ही आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर एंड डिस्चार्ज बुक में आपकी कैटेगरी शेप 1 होना अनिवार्य है। जॉब लोकेशन रहेगी इसकी मुरादाबाद। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 23,000 पर मंथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट AWPO लखनऊ। लास्ट जॉब ऑप्शन फॉर NCOs इज सिक्योरिटी सुपरवाइजर। इसके कुल 10 वैकेंसीज अवेलेबल है एट मिंडा इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड। इस पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट है विथ नो एज क्राइटेरिया। जॉब लोकेशन इज चाखन। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 21,000 पर मंथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप AWPO पुणे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी ऑफिसर्स JCOs एंड NCOs के लिए मई मंथ की वैकेंसी। उम्मीद करते हैं आपको ये मंथली वैकेंसीज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आ सकें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। Till then, Jai Hind!